यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली ऑन करंट ट्रेंड टेक्नोलॉजीज, न्यू एज प्रोग्राम, स्पेसिफिकली क्लाउड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वी कैन से साइबर सिक्योरिटी एंड द डेटा साइंस। नाउ दिस ऑल प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन वडोदरा। आगे क्या होता था कि जब ऐसा कुछ अच्छे वाले प्रोग्राम्स हमको सीखना है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सिटी में जाना पड़ता था, लाइक बैंगलोर है, पुणे है, मुंबई है। सो ये सभी जगह पे हमको गुजरात से जाना पड़ता था। तो कई पेरेंट्स सोचेंगे कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे बच्चे के लिए। सो दिस प्रोग्राम्स नाउ अवेलेबल इन 2019 इन वडोदरा। नाउ स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो फर्स्ट वन इज़ क्लाउड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ क्लाउड टेक्नोलॉजी? क्लाउड टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है? सो क्लाउड मीन्स व्हाट? सो डेटा स्टोरेज एट सर्वर एंड एनी वन विद यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एसेसेस। क्लाउड एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनलिमिटेड डेटा आप स्टोर कर सकते हो, एंड आपको अगर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड उसका मिल गया तो आप वहाँ से वो डेटा है वो एसेस कर पाओगे, वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो इंटरचेंज कर पाओगे, ठीक है, और वो डेटा है वो कभी भी आप उसका यूटिलाइजेशन कर पाओगे। सो क्लाउड मीन्स ऐसी स्पेस कि जहाँ पे आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर पाओगे, मीन्स आपको कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं चाहिए, कोई भी कंप्यूटर नहीं चाहिए, यू कैन सेव डेटा लॉट्स ऑफ विदाउट लिमिटेशन। सो दैट इज़ द क्लाउड टेक्नोलॉजी। सो आज के ज़माने में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन तो देखेंगे ही देखेंगे। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज़ ऑल्सो द क्लाउड टेक्नोलॉजी। सो आप उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलो, क्लाउड टेक्नोलॉजी बोलो, ये सब सिमिलर वर्ड है, ओके। व्हाट वी कैन स्टोर बाय क्लाउड? अगर आपको क्लाउड मिल जाए तो आप क्लाउड में क्या क्या स्टोर कर सकते हो? सो फोकस ऑन दिस नंबर, स्टार्ट फ्रॉम द वन नंबर। सो वी कैन सेव द पिक्चर्स, वी कैन सेव द कॉन्टैक्ट्स डिटेल, वी कैन सेव फाइल्स, वी कैन सेव डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, वीडियोस, एंड दिस ऑल आर थिंग्स कैन बी शेयरेबल, ओके। सो क्लाउड है एक ऐसे स्पेस है जहाँ पे आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, पिक्चर है, कॉन्टैक्ट्स है, फाइल्स है इंपॉर्टेंट, म्यूजिक है, वीडियोस है, ये सभी चीज़ें आप सेव कर पाओगे और उसको आप स्पेसिफिकली शेयर भी कर पाओगे वहाँ से। सो ये है क्लाउड। एक एग्जाम्पल, व्हाट्सएप में हम जब किसी को वीडियो भेजते हैं और सामने वाला बंदा ऑफलाइन होगा, ठीक है, तो जो 10 MB का वीडियो भेजा है वो कहाँ पे जाएगा जब तक वो ऑनलाइन नहीं होता है तब तक? दैट इज इन क्लाउड ऑफ द व्हाट्सएप, ओके। सो ये है क्लाउड पावर। डिफरेंट एप्लीकेशन यूटिलाइज क्लाउड टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है मेन की जो क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, ताकि आपको बेसिकली आइडिया आ जाएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में है ही है 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ईयर एलैप्स्ड, रिक्वायरमेंट राइजेस, जॉब अपॉर्चुनिटी राइजेस। दैट इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी। सो नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब दैट यूटिलाइज ऑल्सो क्लाउड टेक्नोलॉजी। सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट ऑल्सो यूटिलाइज क्लाउड टेक्नोलॉजी। ईमेल, स्काइप, व्हाट्सअप ऑल्सो बेस्ड ऑन क्लाउड टेक्नोलॉजी। गूगल डॉक्स also based on cloud technology. Next, Dropbox, you can save unlimited pictures, data in Dropbox. Google Drive also there, but some limitation of the Google Drive because it is freely available. And Amazon S3 web service, and Facebook, LinkedIn, the MySpace, Twitter. These all are the example of the cloud technology utilization. ओके, सो आप कितना भी डेटा इसमें स्टोर करो, देयर इज नो लिमिटेशन, विच आर फ्रीली अवेलेबल, एट सम टाइम इट हैविंग सम लिमिटेशन, बट अदरवाइज यू कैन सेंड अनलिमिटेड ईमेल्स, यू कैन स्टोर अनलिमिटेड पिक्चर्स वाया ईमेल, जीमेल, यू कैन अपलोड नंबर ऑफ द वीडियोज ऑन यूट्यूब, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दैट वीडियोज फ्रॉम द यूट्यूब। Netflix, that is biggest example of the cloud technology. So इसकी requirement बॉस market में रहेगी ही रहेगी cloud technology की। Job opportunity after learning cloud technology. अगर आपने cloud technology में specialization कर लिया है, bachelor कर लिया है या फिर master कर लिया है, तो आपके पास क्या job opportunity रहेगी? So you are as a cloud computing engineer you can work. Secondly, cloud architect you can work.
थर्ड क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर यू कैन वर्क, फोर्थ क्लाउड सॉल्यूशन यू कैन वर्क, फिफ्थ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड मैनेजमेंट प्रोफेशनल, क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, क्लाउड वेब डेवलपमेंट ऑफिसर, क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेक्स्ट क्लाउड सेल्स, क्लाउड ऑपरेशनल इंजीनियर, क्लाउड कंसल्टेंट, क्लाउड सिस्टम इंजीनियर, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड प्रोडक्ट मैनेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट. दिस ऑल आर यू कैन बी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर और मास्टर इन क्लाउड टेक्नोलॉजी. यू कैन सी ओवर हियर द डिफरेंस फ्रॉम द क्लाउड रिलेटेड जॉब्स इन फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द 2016 टू 2022. दिस इज द फोरकास्ट. यू कैन ऑब्जर्व द ग्रोथ रेट ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो बॉस IT, computer, and then after specialized course, when you do in cloud technology and data science and information security, you can bank on market. Your requirement is highly demanded side in future if you complete these courses. So you can observe these data. The graph is gradually increasing, okay, and it's reaches beyond the side. So this is the analytical analysis, one analysis that can done over here. Okay, so impact model you can observe as demand increases with your growing. Next, this is also the Cisco Global Cloud Index 2016 to 2022, 13% CAGR from the 2016 to 2021. And you can observe the demand of data storage day by day is increasing. Okay, so hyperscale data centers growing rate should be high. So we can say from this year to the next further years, the demand of the cloud technologies increases day by day. As in India, Digital India ho raha hai, Narendra Modi is supporting to the Digital India. So ye jo cloud technology hai, uski requirement day by day aur badhegi, aur badhegi, aur badhegi. There is no limitation for this. So जैसे जैसे business development बढ़ता जा रहा है वैसे इसकी demanded रहेगी, because we need to save lot of the datas, whether the employees, whether the other card datas, whether the salaries datas, or else information data, design data, analysis data, everything we need to store in cloud. So we cannot means we don't require any kind of storage space physically. Next, what is information security? So information security kya hai basically? You can observe here that number of the data you can store in the laptop, you can design a program, and you can develop also. We can take example of mobile application. So agar humne mobile application bana liya hai, humne koi program design kar liya hai, koi pattern banwa liya hai, agar hum usko secure nahi karte और ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी और के हाथ में लीक हो जाएगी, तो अपना जो भी कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा है, जो भी मोबाइल ऐप का डेटा है, वो सब है वो थेफ्ट हो जाएगा. मीन्स कोई ना कोई उसको ले सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, अपना मीन्स थंब डाल सकता है. एवरीथिंग शुड बी पॉसिबल. सो अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी में कुछ क्लाउड सर्वर जनरेट कर रहे हो, कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि डेटा स्टोर कर रही है, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट यू नीड टू सिक्योर दैट डेटा, योर एप्लीकेशन डेटा. सो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इन वेरी सिंपल टर्म वी कैन से साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर. सो दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. सो हम डेटा स्टोरेज कर सकते हैं एट द डिफरेंट प्लेसेस विथ सिक्योर. ओके, सो जो आपका ईमेल आईडी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है, या फिर कहीं टाइम पे जो डिफरेंट कोड्स डालने होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. More secure your data, that is more reliable. Okay, so security engineer की requirement रहेगी जब जब कोई mobile application, कोई web application, कोई software बनेगा तब तब. Job opportunity after learning information security. So information security हमने सीख ली, तो कौन कौन सी job हमें मिल सकती है? Security analyst, cyber security risk specialist, then security architect, then security engineer, security administrator, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर, सोर्स कोड ऑडिटर, पेनिट्रेशन टेस्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेनिट्रेशन टेस्टर. हर एक कंपनी
जो कि सॉफ्टवेयर बेसिस पे है या फिर वेबसाइट बेसिस पे है, वो अपने पास एक पेनिट्रेशन टेस्टर रखती है। पेनिट्रेशन टेस्टर क्या काम करता है? तो वो जो है वो कंपनी की सिक्योरिटी कंटिन्यूअसली चेक करेगा। वो कंटिन्यूअसली कंपनी का सॉफ्टवेयर या फिर जो भी मीन्स एप्लीकेशन है वो हैक करने का ट्राई करेगा। तो अगर वो सक्सेसफुल हो गया मीन्स कंपनी को पता चल जाएगा कि अभी उसको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। सो स्पेशली एक हैकर कंपनी ने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है कि जो कंटिन्यूअसली जो भी सॉफ्टवेयर है उसको पेनिट्रेट करेगा, ट्राई टू ब्रेक दैट सिक्योरिटी, ताकि कंपनी की जो भी सिक्योरिटी टीम है उसको पता चल जाएगा कि ये सिक्योरिटी अभी सफिशियंट नहीं है। सो वी नीड टू अपग्रेड दैट सिक्योरिटी। ओके, सो दैट इज द पेनिट्रेशन टेस्टर वर्क। नेक्स्ट, चीफ इन्फोसेक ऑफिसर। नेक्स्ट वन, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, एनालिस्ट, लीड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इंजीनियर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, एथिकल हैकर, एनालिस्ट एंड पॉइंट सिक्योरिटी एंड एनालिस्ट वेब सिक्योरिटी ऑफिसर। सो दीज आर दी ऑल अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन इन बिग टैक विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। ओके, सो क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर द कोर एरियाज फॉर द सेफ्टी एंड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेवरल कंपनीज नाउ आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द सिक्योरिंग देयर बिजनेस डेटा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द साइबर सिक्योरिटी। सो आजकल के डिजिटल ज़माने में बहुत सारी कंपनियां हैं जो डे बाई डे ग्रो कर रही है और खुद का क्लाउड सर्वर है वो डेवलप कर रही है, ताकि जितने भी स्टोरेज है उसके लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में स्पेशल रूम ना रखना पड़े, स्पेशल पर्सन ना रखना पड़े, स्पेशल कंप्यूटर सिस्टम ना रखना पड़े, और वो हजारों कंप्यूटर सिस्टम, हजारों रूम और हजारों और नंबर ऑफ पर्सन का जो मनी है वो सेव करके कोई एक ही जगह पे सर्वर रूम ले, तो उसका जो भी कॉस्टिंग होगा वो 5 to 10% हो जाएगा, जो इनिशियली 90% था। सो बहुत एडवांटेज रहेंगे कंपनी को एट द एंड, ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ दिस स्पेशलाइज न्यू प्रोग्राम इज अवेलेबल फर्स्ट टाइम इन द गुजरात इन वडोदरा एरिया 2019 नियर बाय आजवा। ओके, एंड इफ यू वॉन्ट टू नो रिगार्डिंग द सेम इन डेप्थ यू कैन मेक अ कॉल ऑन दिस नंबर +91 9173619061। यू कैन कॉन्टैक्ट द पर्सन हु इज़ द इंचार्ज, मेन इंचार्ज फॉर दिस वडोदरा जोन, गुजरात जोन। ओके, एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू कैन ऑल्सो गेट सम मोर नॉलेज, मोर डिटेल्ड नॉलेज फॉर क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप उसके बारे में बहुत सारा जान सकते हो। और ये जो है वो प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एडवांस प्रोग्राम, मीन्स आउटसाइड फैकल्टीज लाइक बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, दैट फैकल्टीज कम ओवर हियर इन वडोदरा एंड दे आर गोइंग टू टीच यू अ बेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज फॉर दिस टेक्नोलॉजी। सो इफ यू बीइंग मास्टर इन दिस टेक्नोलॉजी, आप अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी रिक्वायरमेंट मार्केट में ऑलरेडी बढ़ जाएगी। लास्ट टाइम इन 2018 डेटा सेज दैट कि लास्ट टाइम पे 75,000 एथिकल हैकर रिक्वायर्ड इन इंडिया, बट ओनली अवेलेबल 50,000। सो 25,000 वैकेंसीज ऑलरेडी देयर। ओके, सो लाइकवाइज डिमांड इज इंक्रीजिंग। सो इफ यू मीन्स गेट दिस नॉलेज अवेयरनेस प्रोग्राम, देन यू कैन इजिली मूव फॉर योर बेटर फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। स्पेशलाइज बीटेक डिग्रीज आफ्टर 12th साइंस मैथ्स ग्रुप स्पेशली। सो बीटेक इन क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन इंडिया, वी कैन से दैट बीटेक डिग्री इज क्वाइट हायर देन बी डिग्री, बैचलर्स डिग्री। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड सेकेंड, बीटेक विद द डेटा साइंस। ओके, सो दीज टू आर द प्रोग्राम्स इन गुजरात फर्स्ट टाइम अवेलेबल इन वडोदरा एरिया, सो यू कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस। रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री सेमिनार फॉर द पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, लिंक इज प्रोवाइडेड बिलो साइड ऑफ द वीडियो। सो इफ यू रजिस्टर योर सेल्फ इन दिस प्रोग्राम, सो द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ दिस प्रोग्राम, दे कैन मेक अ कॉन्टैक्ट विथ यू एंड यू गेट फ्री सेमिनार, वी कैन सेंड अवेयरनेस प्रोग्राम फ्रॉम दैट पर्सन। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स।
कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो आगे वाले टाइम में बहुत ही बैंग मचाने वाली है मार्केट में। क्लाउड टेक्नोलॉजी ले लो, डेटा साइंस ले लो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ले लो, मोबाइल एप्लीकेशन ले लो, दिस फोर आर दी बैंगिंग ऑन द मार्केट, बूम इन द मार्केट इन अ वेरी फ्यू ईयर्स, जस्ट 5 ईयर्स। यू कैन सी ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, यू कैन सी दैट उरी मूवी अगर आपने देखी है तो जो ड्रोन है उसमें दैट इज ऑल्सो वर्क ऑन द डेटा साइंस। अगर ड्राइवरलेस कार है तो दैट इज ऑल्सो वर्क ऑन द डेटा साइंस। सो दीज आर दी डिफरेंट एग्जाम्पल्स दैट डेटा साइंस बिहाइंड दिस। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटीज इफ यू अवेयर, टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम्स मैक्सिमम, सिक्योर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।